इसका एक और चमत्कारिक जो प्रयोग है जो हमने पाया है, यदि आपने किसी भी तरह की कोई भी बहुत ज़्यादा हैवी एंटीबायोटिक एलोपैथिक दवाइयाँ केमिकल या इस तरह की स्टेरॉइड वगैरह जो बहुत ही खतरनाक औषधियों का आपने सेवन करके अपने शरीर को जर्जरित किया है उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से, यदि आप बहुत ही पीड़ित और परेशान हैं तो उन लोगों के लिए भी एक यह जीवनदायी है यह कदम का पेड़। उसके लिए कदम की पेड़ के छाल और कुछ कदम का फल और पत्तियाँ, इसको आप लगभग बराबर मात्रा में लेकर के इसको आप घर में सुखा करके टुकड़े करके रख लें कि लगभग 10 ग्राम को 400 ग्राम पानी में उबालें, उबाल करके जब एक चौथाई बचे छान करके पिएं तो शरीर के अंदर जो विद्यमान जो टॉक्सिन्स हैं, विषादीय तत्व हैं या किसी भी तरह का केमिकल और बहुत ही ज़्यादा हाई मेडिसिन की वजह से आपके अंदर यदि जहर और पॉइजन इकट्ठा हुआ है तो वह भी इससे निकल जाएगा। उसके लिए बहुत ही यह अच्छा है, तो उसके लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो आइए इसके बहुत सारे प्रयोगों को प्रयोग करते हुए हम अपने जीवन को खुशहाल और निरामय और सुखद बनाएं और अपने जीवन को आनंदमय बनाते हुए अपने देश के अंदर विद्यमान इन औषधीय पौधों की जानकारी दूसरे लोगों को भी दें, जिसके आश्रय में, जिसके पेड़ की छाया में, जिसके पेड़ की टहनियों में भगवान कृष्ण ने आनंद उठाया, आनंदित रूप से अपने जीवन को बिताया। उस वृक्ष के विषय में आज हमने उसके औषधीय गुणों से सारे देश को अवगत कराया, तो आइए भगवान श्री कृष्ण के इस प्यारे से वृक्ष कदम्ब को अपने जीवन में अपने जहाँ भी जगह वहाँ स्थान दें और अपने रोगों को दूर करने में इसके फल पत्तियाँ और छाल का हम प्रयोग करें और अपने जीवन को सुखमय आनंदमय और निरोग निरामय बनाएं। यही हमारा संकल्प, यही आपके लिए हमारा संदेश।